गाइस ये देखिए नल्ली का पीस। दोस्तों आज ना मैं आप लोगों को खिलाने जा रहा हूँ चूल्हे का मटन। तो गाइस ये हमारा चूल्हा है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे मसाले हैं, गरम मसाले। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे जो की वेजिटेबल और मसाले जो यहाँ पे पीस कर दिए हैं। और ये हम मैरिनेशन के लिए यूज करने वाले हैं। दही है और यहाँ पे लाल मिर्च है और धनिया का पाउडर, हल्दी। और चलते हैं सीधा मटन की ओर। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा मटन है और ये हमारी चर्बी जो कि हमने अलग रखी है, इसको हम बाद में डालेंगे। और ये आगे हमारा मटन, और मटन के पीस दिखा देता हूँ आपको। ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे चाप का पीस है ये, और ये हमारा नल्ली का पीस। गाइस ये पूरा 1 किलो मटन है और अभी हम बनाने वाले हैं इसको चूल्हे पे। तो दोस्तों अभी हमारा चूल्हा जलने वाला है, लकड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा मैरिनेशन की ओर। तो हमारे मटन यहाँ पे रखा हुआ है। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला प्लेट जिसमें सारा पाउडर है, और इसको सीधा यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम लोगों ने नमक ले लिया यहाँ पे पूरा फुल, और पहले इसको यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे हम मिक्स करने वाले हैं। इसको जब तक मिलाना है जब तक इसके सारे मसाले मिक्स ना हो जाए, एक एक मटन पे पूरा बराबर का मसाला ना लग जाए। तो मस्त दही आ चुका है। और इसको भी पूरा बढ़िया से यहाँ पे मिलाने वाले हैं दही को। और गाइस इसको हम कम से कम हम आधा घंटा तक रख सकते हैं, पर हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि धूप अभी ज़्यादा टाइम रहने नहीं वाली। तो हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे बस। और इसके ऊपर हम हरी मिर्च डालने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पे, जो कि ये थोड़ा मिर्च वाला हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप मसाले देख सकते हो, यहाँ पे लहसुन है, लाल मिर्च है, दालचीनी, इलायची, लौंग, चक्रफूल, सारा भी जाने वाला है हमारे चूल्हे के ऊपर गैस ये यहाँ पे। पहले इसको यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे बढ़िया से। तो गाइस हमारा यहाँ पे तेल आने वाला है, रोस्ट तो हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मसाला। और ये आ गया हमारा ऑयल जो कि मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे सरसों का। जीरा, और ये हमारे मसाले आ चुके हैं। और गाइस ये जो आप साइड में जो काला काला देख रहे हो, ये सोचना नहीं कि ये गंदा है, ये हमारे जो चूल्हे में काफी तेज आग जल गई थी इसीलिए थोड़ा काला हो चुका है कढ़ाई। अभी लहसुन डल रहा है। तो गाइस ये लहसुन आ चुका है हमारा यहाँ पे, लहसुन का पेस्ट। अदरक डल रहा है। तो गाइस ये अभी यहाँ पे अदरक आ चुका है, टमाटर भी डाल दिया, टमाटर आ गया है, हरी मिर्च भी डाल दिया। तो दोस्तों अब बारी है नमक की यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इसको गलाएगा बढ़िया से पूरे हमारे टमाटर प्याज को। तो दोस्तों मसाले की बारी है यहाँ पे। ये कौन सा मसाला है? ये है जीरा। ये जीरा है, जीरा। ये है धनिया। तो दोस्तों अब हल्दी आ गई है। दोस्तों यहाँ पे हमारा मसाला तो बन के रेडी है, अब इस पे डलने वाला है मटन। तो चलते हैं सीधा मटन की ओर। ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे मैरिनेशन करके जो हमने मटन रख दिया था, इसको 15 मिनट कम से कम हो चुके हैं, और अभी ये सीधा जाने वाला है कढ़ाई में डालना। यहाँ अभी मटन डल रहा है, मसाला बन गया। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं पूरे 20 मिनट इसको पकाते पकाते, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मटन का, अभी हमने इसमें चर्बी ऐड नहीं की है, अभी हम इसको लास्ट में चर्बी ऐड करने वाले हैं। और इसमें ना हमारा आलू आने वाला है गाइस, इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे एंड में। तो अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं चर्बी, जो कि मटन की चर्बी थी, इसमें हम ऐड करने वाले हैं पूरा। ये है चर्बी डाल रहा है। और गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो आलू फ्राई आ चुके हैं। आलू हमने इसलिए फ्राई करके रख दिए हैं क्योंकि ये आलू जो पानी में गलेंगे नहीं, इसलिए हम फ्राई कर देते हैं। फ्राई के साथ फ्राई कर दोगे तो गलेंगे नहीं आलू, और यहाँ पे हमारे मटन में जाएंगे और खाने में स्वाद भी बढ़ता है। गाइस देख सकते हो भाई कितना ही टेस्टी बन रहा है मटन। ये अभी आलू डाल रहा है, डाल दिया आलू। तो गाइस ये जो आप यहाँ पे चर्बी देख रहे हो ना,
ये चर्बी गली इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको बाद में डाली थी, जो कि यहाँ पे पानी डालने से कुछ मिनट पहले, हमने 5 मिनट पहले डाली थी चर्बी को, कि हमारे यहाँ पे चर्बी पक जाए, क्योंकि चर्बी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। अभी इसमें ना हम ऐड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मसाला दे सकते हो, ये गर्म मसाला यहाँ पे पिसा हुआ है, और इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं। इसमें हमने ज़्यादा लाल मिर्च यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली हरी मिर्च से हमने ये सब्जी बनाई है, तभी इसका कलर ऐसा है, रेड रेड कलर नहीं आया है, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च डाली नहीं है, जो कि यहाँ पे हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पे चावल आ चुके हमारे, गाइस ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे मटन बन चुका है, सारे पीस चर्बी के आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे कोई भी चर्बी यहाँ गली नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं चर्बी का पीस, और गाइस ये चाप आ चुका है देख सकते हो हमारा, और ये हमारा गर्मा गर्म आलू, जो कि हमने देख सकते हो आलू भी यहाँ पे गला नहीं है, और ये हमारा सैलेड भी आ चुका है देख सकते हो, और इसको हम यहाँ पे सीधा भाई जानवर की तरह यहाँ हम डालने वाले हैं पूरे सब्जी को। गाइस ये देख सकते हो ये भी गला नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं मेल्ट हो गया है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, साबुत आपको मिलेगा बढ़िया। और ये हमारी चाप का पीस है, और ये गाइस ये नल्ली का पीस है देख सकते हो। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं, पहले ये लेंगे, फिर इसका चाप का पीस लेंगे, और ये हमारे यहाँ पे बाइट बन चुका है।